अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पर्सपेक्टिव नई टेक्निक से सिखाऊंगा, जो शायद आपने पहले ना देखी हो। हमारे पास एक रबर बैंड है। ये रबर बैंड हमने दो पिनों के दरमियान हमने इसको ऐसा फंसा दिया। नीचे हमने स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसको हम आई लेवल कहेंगे। सपोज़ ये आई लेवल है, फिर एक रबर बैंड को हमने यहाँ पर फंसाया इस एंगल पर, और दूसरे रबर बैंड को हमने इस एंगल पर फंसाया। ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप कर सकते हैं आसानी से। इनके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और हमने अब देखा कि हमारे पास ये दो लाइन्स आ गई हैं। एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। इस लाइन्स को अगर हम हटा देते हैं इस रबर बैंड को, तो हमारे पास दोनों साइड पर वैनिशिंग पॉइंट्स बनेंगे। वैनिशिंग पॉइंट्स के बारे में मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब हम क्यूब बना रहे हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो इसके हिस्से होंगे, साइड्स होंगे। अब अगर हम इस पेन को इस जगह लगा दें तो हमें एक तीसरी लाइन मिल जाएगी, थर्ड लाइन। ये लाइन हमारी बॉक्स के ऊपर की है, टॉप की है। इसी तरह अगर हम इस रबर बैंड को यहाँ लगाएं और आप देखिए एक लाइन हमको यहाँ पर भी मिलेगी वैनिशिंग पॉइंट के साथ। अब आप इस बॉक्स को देख सकते हैं, ये क्यूब है विथ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मींस डेप्थ। इसमें अब आप डेप्थ देख सकते हैं। मैं इसकी लाइंस को डार्क कर रहा हूँ ताकि आप वाजे तौर पर देख सकें। इस तरह ये बिलो द आई लेवल बॉक्स आपके सामने मैंने बनाया। अब आप इसी तरह अब अप द आई लेवल भी बॉक्स बना सकते हैं। अब अप द आई लेवल बनाने के लिए फिर आपको इस रबर बैंड को ऊपर लेके जाना होगा और दूसरे रबर बैंड को भी हमें ऊपर लेके जाना होगा। अब हमारे दरमियान में एक लाइन और मिल जाती है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और हमें एक साइड पे मिलता है वॉल और हमें एक लेफ्ट साइड पे मिलते हैं वॉल। फिर इस रबर बैंड के ज़रिए हमें इसका पर्सपेक्टिव नज़र आता है। रबर बैंड आपको ये पर्सपेक्टिव दिखाएगा। हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक लाइन आएगी और एक लाइन आप यहाँ पर भी आएगी और एक लाइन यहाँ आएगी। जहाँ पर रबर बैंड मौजूद है वहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और रबर बैंड को हटा दिया। अब आपके पास ये अबव द आई लेवल है, लेकिन इसमें आपको बॉटम अभी नज़र नहीं आ रहा। बॉटम के लिए हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे दो पॉइंट हमें मिले थे, हमने यहाँ पर दोनों पिन लगा दी थी वन बाय वन। एक पिन हम यहाँ लगा रहे हैं, अब हमारे पास पर्सपेक्टिव के लिए एक लाइन और मिल गई, थर्ड लाइन, जो उसको बॉटम को शो करेगी।
इसी तरह अगर हम इस क्लिप को यहाँ लगाएं, इस पिन को हमने यहाँ लगाया और हमने रबर बैंड इस साइड लगाया, तो हमारे पास बॉटम की लाइन और मिल गई। जिस तरह हमने बिलो दाई लेवल में किया था, सेम हमने वही प्रोसेस रखा। अब हम इस लाइन को डार्क कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपके सामने अब भी आई लेवल आपको नजर आ रहा होगा। अब अगर हम चाहें तो आई लेवल पर कर सकते हैं। आई लेवल के लिए हमने एक पॉइंट नीचे रखा, लेवल आई लेवल से हम एक रबर बैंड को नीचे रखेंगे और एक रबर बैंड को हम ऊपर रखेंगे। ये दोनों रबर बैंड आपके सामने मैंने लगाए, ये आई लेवल पर है, आपकी आँख के लेवल पर बॉक्स रखा हुआ है, तो इसीलिए दोनों साइड पर जो रबर बैंड होगी, ये दोनों लाइन्स हो जाएंगी, वो ऊपर और नीचे आई लेवल की होंगी। एक ऊपर होगी तो एंगल बनाएगी वैनिशिंग पॉइंट तक, और एक नीचे होगी तो एंगल बनाएगी वैनिशिंग पॉइंट तक। ये हमने बॉक्स की विड्थ डिसाइड कर ली कि फिट है हमारे सामने, और अब हमने इसकी टॉप और बॉटम की लाइन्स डिसाइड की। अब हम इस रबर बैंड को हटा देते हैं, इन पिंस को हटा देते हैं और इसको रबर बैंड को यहाँ से बैठा देते हैं। अब आप देखिए कि इसमें थ्री बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको डार्क भी साथ साथ करता रहूँ। एक बिलो द आई लेवल नंबर वन, नंबर टू अबव द आई लेवल, फिर आपके आई लेवल पर आपको नज़र आएगा। ये थ्री कंडीशंस हैं, थ्री व्यूज हैं आपके बॉक्स को देखने के विद पर्सपेक्टिव, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट के साथ साथ। शुक्रिया।